हरियानते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसं रोतव्यादिषु यः पर अस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम् मर्यान एषते प्रश्न। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज जी ने कोई विलंब नहीं लगाया नारायण इस प्रश्न का उत्तर देने में। उन्होंने कहा कि तुम पहले देखो कहां पर खड़े हो, तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे साधना के बीज कौन से हैं, तुम्हारी अंतरात्मा कौन से साधना की तरफ झुकती है, कर्म अनुष्ठान, भगवान की भक्ति, ज्ञान, ध्यान की साधना, आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, जप करना अच्छा लगता है, प्राणायाम करना अच्छा लगता है, यज्ञ याग करना अच्छा लगता है, दान करना अच्छा लगता है। आप जहां पर भी खड़े हैं वहां से आपको यात्रा करना है। ऐसा कभी होता नहीं है आप जहां नहीं है वहां से आप चलना शुरू कर दो, आप जहां पर होते हैं वहीं से आप चलना शुरू करते हैं। आप प्रयागराज हैं तो आप बनारस से चलना शुरू नहीं कर सकते हैं, आप बनारस में हैं तो आप वृंदावन से चलना शुरू नहीं करते हैं, आप जहां पर हैं आप वहीं से चलना शुरू कर देते हैं और वो साधना आपको आगे बढ़ाने लिए, वो साधना आपको आगे बढ़ानी चाहिए। आप जब करते हैं तो इतना जप करो, इतना जप करो, इतना जप करो, इतना जप करो, वो जप आपको परमात्मा तक पहुंचा दे मरने के पहले, और जब वो मृत्यु का क्षण भी आ जाए तो परमात्मा को याद करते हुए निर्भय अवस्था में प्रवेश कर हम अपनी मृत्यु का आलिंगन कर सके। आपको ध्यान इतना करना चाहिए, इतना ध्यान करना चाहिए कि आपके मरने के समय भी वो परमात्मा का ध्यान न टूटे। आपका ये शरीर जर्जर हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, उस समय भी वो आपकी आंतरिक ध्यान की अवस्था बनी रहे। आप स्वधर्म का आचरण इतना करना चाहिए आपको कि आप मृत्यु का समय भी आ जाए तो आपका स्वधर्म का आचरण न टूटे। राजा परीक्षित को बता दिया नारायण, ध्यान की विधि बता दी। उन्होंने कहा कि तुम ओम का जप करो और मृत्यु का समय तुम्हें मालूम है, सातवें दिन मृत्यु होने वाली है और उस समय तुम ध्यान को अपने हृदय में केंद्रित करो और धीरे 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 अपने विचारों को ऊर्ध्वगामी ले जाओ और सहस्राम में अपने मन को स्थिर कर भगवान के साथ एक रूपता का अनुभव करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दो। अब यहां पर भी नारायण बात वही है, मैंने आपको कल भी कहा था ये बात, जो भी साधक है उसके जीवन में मन की चंचलता और अस्थिर विचारों का भाव होना बहुत स्वाभाविक है और ये राजा परीक्षित के जीवन में भी था। उन्होंने प्रश्न पूछा, भगवान मन बड़ा चंचल है और इस चंचल मन को हम स्थिर कैसे करें। सुखदेव जी महाराज ने उसका समाधान भी बता दिया नारायण, जीता सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय भूले भगवतो रूपे मन संधारे दिया। जीता सनो ये तस्वासु
सबसे पहला जो उपाय बता दिया सुखदेव जी महाराज ने नारायण गीता सुनो, ध्यान देके सुनेगा। आपको अपना आसन ठीक कर लेना चाहिए, आपको सबसे पहले बैठना सीखना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? आपका संपूर्ण जो चरित्र है ना, वो आपके बैठने से प्रकट होता है। आपका सोच, आपके विचार, आपका चरित्र आपके बैठने से प्रकट होता है। आप कैसे बैठे हैं, इसलिए आपको यदि सभ्य मनुष्य बनना है तो सबसे पहले बैठने की शिक्षा लेनी चाहिए कि आदमी को बैठना कैसे चाहिए। आपका पहला जो अनुशासन है ना, वो बैठने का है। इसलिए आदमी बोलता ना, अरे इसको तो बैठना भी नहीं आता है। फिर दूसरा अनुशासन बोलने का होना चाहिए, कैसे बोलना है। आदमी बोलता है कि भैया इसको बोलना भी नहीं आता है। आसन स्थिर करो, पहले बैठना सीखो। बढ़िया, आप भगवान को याद कर रहे हो तो आप टेढ़ा मेढ़ा बैठोगे, आप लेट जाओगे इधर उधर, लंबी टांग वो बात अलग है कि आप बीमार हैं या आप वृद्ध हैं और आप बिना लंबी टांग के नहीं बैठ सकते, वो बात अलग है। लेकिन आप स्वस्थ हैं, आप सही ढंग से बैठ सकते हैं, तो आपके लिए अनुशासन है सही बैठना। आप ऐसा आसन ग्रहण करो जिससे आपको दुख ना हो, कष्ट ना हो। सुखासन, सुखासन माने आप जैसे बैठने से आप बहुत ध्यान लगाकर, मन लगाकर भगवान का भजन कर सकते हो, ऐसा आसन जमा देना चाहिए। अब वो आपका सामान्य पालथी मार के बैठना भी हो सकता है, पद्मासन भी हो सकता है, सिद्धासन भी हो सकता है, कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। लेकिन आदमी को एक आसन होना चाहिए और आसन में स्थिरता होना चाहिए। या जीतासनु, आसन को जीतना मतलब क्या है, बैठने को जीतना चाहिए। मैंने सुबह के सोहम साधना के सत्र में कहा था, आदमी की पहली जीत है आंख बंद करना। आपको एक घंटा आंख बंद करके बैठना है और आपने आंखें बंद कर ली, अब एक घंटा आप आंख नहीं खोलोगे। आपने जीत लिया नारायण, आपने एक सीढ़ी जीत ली और दूसरी सीढ़ी जीतना है आसन। अब आसन लग गया, अब नहीं हिलेगा। अब आप बार बार हिलोगे डुलोगे नहीं, बहुत ज्यादा बार बार हिलना डुलना इधर उधर खोजलाते रहना, ये पाशवीय प्रवृत्तियां हैं, ये बंदर की प्रवृत्तियां हैं। आप बंदर को देखना, वो बंदर कभी शांति से नहीं बैठता है। बच्चों ने भी बंदर देखा होगा, वो कभी शांत नहीं बैठता, वो खुजलाता रहेगा, कुछ ना कुछ इधर उधर कुछ ना कुछ करता रहेगा। और आदमी के अंदर भी वो पशुता, ये चंचलता, ये पशुता है। आज इसके ऊपर नियंत्रण बहुत जरूरी है नारायण, यही आसन को जीतना है। और उसके बाद फिर प्राणायाम कर लेना चाहिए, जितश्वासो भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। हम लोग सुबह के सोहम साधना के सत्र में ये सारे व्यायाम प्राणायाम करते हैं। और उसके बाद जित संगो, संग जीत लेना चाहिए, अच्छे लोगों का संग होना चाहिए। हमारे इंद्रियों का जो संग है ना, वो भी जीत लेना चाहिए। जैसे देखने का पागलपन, खाने का पागलपन, सुनने का पागलपन, ये संग को जीतना है। जितेन्द्रिय सूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया।
और स्थूल भगवान के स्वरूप में अपने मन को स्थिर कर लेना चाहिए। आप राम जी की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, शंकर जी की पूजा करो, अथवा मंत्रमयी देवता, मंत्र में ही आप अपने मन को स्थिर कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उस ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र में अपने मन को डाल दो, मंत्र और मन एक हो जाए। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र और मन एक हो जाए। मंत्र का अर्थ तो यही है ना, मननात् कायते इति मंत्रः। इसका जप करने से जो आपको तार देता है शोक से, दुख से, दारिद्र से, अज्ञान से, वासना से, वही मंत्र है। और उस मंत्र से तरने का यही भाव है, आपका मंत्र और मन एक हो जाए नारायण, इतनी तन्मयता हो। बस बात तो सुखदेव जी महाराज ने इतनी ही सुनी, और इतनी सुनने के बाद उनको उपाय मिला, मार्ग मिला, और ऐसा मार्ग मिला नारायण कि वो मार्ग उनका जीवन बन गया। यहां एक ही वाक्य में व्यास जी महाराज ने बहुत गहरी बात बोली। अपृच्छचे ममेवार्थम यन्माम पृच्छत सत्तम कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामन संस्थां विज्ञाय सन्यस्य कर्मत्रय वर्गिकं चयत् वासुदेवी भगवती आत्मभावं दृढ़ंगत। इतना उपदेश श्रवण करने मात्र से राजा परीक्षित आत्मभाव को प्राप्त हो गए। भगवान के साथ वो एक रूपता का अनुभव करने लगे नारायण, क्योंकि वो बहुत महान पुरुष थे, वो योग्य अधिकारी थे, केवल वहां उपदेश की जरूरत थी, मार्ग दिखाने की जरूरत थी। सुखदेव जी महाराज जी आज तक कभी बोले नहीं, पहली बार बोल रहे हैं। पहली बार नहीं, ये तो अंतिम बार भी है, जीवन में अब कभी बोलने वाले नहीं है। और अच्छे आदमी को हमेशा बोलते रहना चाहिए और बुरे आदमी को हमेशा चुप रहना चाहिए। जब बुरा आदमी बोलेगा तो उसके हृदय की सारी बुराइयां प्रकट होगी, और अच्छा आदमी बोलेगा तो उनकी सारी अच्छाइयां प्रकट होगी। नारायण भगवान ने प्रेरणा दी, आज एक सुखदेव जी महाराज जी बोलने वाले हैं, और उनके बोलने से सारे विश्व का कल्याण होने वाला है, इसलिए उनको बोलना चाहिए। राजा परीक्षित को प्रेरणा दी नारायण, बोलो बोलो, तुमको जरूरत नहीं है लेकिन समाज के लिए बोलो, प्रश्न करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भूय एव वत्सामि। अब कोई काम नहीं नारायण, अब काम से मुक्त हो गए राजा परीक्षित, काम से मुक्त हो गए, अकाम हो गए, अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। लेकिन भगवान की प्रेरणा से भगवत चर्चा ही उनके जीवन में अब अवशेष रहे। अब कर्तव्य पूरा हुआ, अब केवल एक ही कर्तव्य रहा, करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने बोला ना, मेरे को बोध हो गया, बोले अब कोई कर्तव्य शेष नहीं है, केवल तुम्हारी आज्ञा का पालन करना ही एक शेष रह गया है। और यहां पर भी राजा परीक्षित को अब कोई शेष नहीं रहा नारायण, संसार का कर्तव्य अब केवल भगवत चर्चा शेष रह गई, और वो भी कर्तव्य के रूप में नहीं है, वो एक भगवान की आज्ञा, भगवान की इच्छा के रूप में।
पूछ लिया उन्होंने, इस दुनिया को किसने बनाया, इस दुनिया का कर्ता कौन है। सुखदेव जी महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, ओहो हो, थोड़े से बोलने से काम हो गया। भाई सच्चा जो शिष्य होता है ना वो आज्ञाकारी होता है, एक बार बोल दिया समझ में आ जाती बात। यदि योग्य शिष्य हो ना उसको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। योग्य शिष्य को एक वाक्य बोल दो आप, बेटा उठो, उठ जाएगा, बस उठ खड़ा हो जाओ बेटा, जाओ, वो चल देगा। और यदि योग्य शिष्य ना हो ना, वो पहली बात तो उठेगा ही नहीं, पहली बात तो उठेगा ही नहीं, वो ऐसा दिखाएगा कि हमने सुना ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। वो अनसुना कर देगा। और कदाचित मान लो उन्होंने सुन भी लिया, वो पूछ लेगा क्यों उठूं, क्यों जाऊं, क्या काम है, किधर जाना है। एक महात्मा ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज, दादा गुरुदेव ही ये बात अपने प्रवचनों में कहते हैं। एक कोई सेठ था, उसको बहुत नौकर की जरूरत थी, लेकिन कोई भी नौकर आता तो स्वयं उसका इंटरव्यू लेते थे, और उस इंटरव्यू में वो कभी किसी को पास ही नहीं होने देते थे। जैसे ही कोई नौकर आता उसको बोलते बैठ जाओ, बैठ गया, बोलते क्यों बैठा, फिर उठ जाता, उसको डांट के बोलते क्यों उठा, बाहर चले जाओ, और बाहर चला गया तो बोलते क्यों बाहर गया, फिर बुलाते अंदर आए, ओ क्यों आया, और वो परेशान हो जाता, एक दो घंटे में हाथ जोड़ता, शेठ जी मैं जा रहा हूं, तुम्हारे पास मैं नौकरी नहीं कर सकता, चला। लेकिन एक बड़ा खाटी चेला था, एक खाटी सेवक था, बड़ा समझदार था। सेवक आया, सूचना मिली एक कोई आया है, आप उसको सेवक के रूप में रख सकते, नौकरी दे सकते। हेठ ने कहा मेरे पास बुलाओ, मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, फिर रखूंगा। आ करके खड़ा हो गया, उन्होंने कहा जाओ बोले एक गिलास पानी ले आओ, उसने एक गिलास पानी लाया, और जैसे सेठ को देने लगा, सेठ ने कस के डांट लिया, तुमने पानी क्यों लाया, हर नौकर बोलता था सेठ जी तुमने तो बोला है लाने के लिए, लेकिन ये बड़ा मजेदार था आदमी, जैसे उन्होंने डांटा तुमने गिलास भर के पानी क्यों लाया, हाथ जोड़ लिए सेवक ने, और उन्होंने कहा गलती हो गई, समझ गए कि नहीं बात, बात तो छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। उन्होंने कहा ले जाओ, और जब वो ले जाने लगा, शेठ जी ने पुनः पूछा तुम क्यों ले जा रहे हो, बोले गलती हो गई। शेठ ने कहा यही सेवक, यही सेवक है, यही सेवक। आप मालिक को पूछते हो कि आपने बोला था, इसका मतलब क्या है, आप गलत हैं, हम गलत नहीं है, और ये सेवक का काम नहीं है, मालिक को गलत होने देना ये सेवक का काम नहीं है। जहां पर आज्ञाकारिता के भाव होते हैं नारायण, ऊपर आ जाओ, जहां पर आज्ञाकारिता के भाव होते हैं वहां वास्तविक शिष्यत्व प्रकट होता है। सामान्य पुरुष नहीं शुभ राजा परीक्षित, दो चार वाक्य में ही उनका काम हो गया, आज्ञा उन्होंने मान ली, प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज, काम हो गया, आज्ञा उन्होंने मान ली नारायण। और यहां भगवान को नमन करके नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे तदुद्भव स्थान निरोध निलया गृहीत शक्ति त्रित्रयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्षवर्त्मने। उन्होंने भगवान को प्रणाम करके
प्रारंभ कर दिया नारायण, दुनिया कैसे बनी, बड़े विस्तार से उसका वर्णन किया उन्होंने। ब्रह्मा जी का भी बहुत सुंदर यहां वर्णन आया है। नारायण ब्रह्मा आदि जीव है जो भगवान के लीला कार्यों में सहयोगी है। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। नाभि माने संकल्प है, आपके जो भी संकल्प उठते हैं वो नाभि से उठते हैं और इस नाभि को कमल बोला है। भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी पैदा हुए, सारी दुनिया ही भगवान के संकल्प से पैदा हुई, ब्रह्मा जी भी भगवान के संकल्प से पैदा हुए। लेकिन हम भगवान को जान नहीं पाते हैं। ऊर्ध्वमूल मदशाख मश्वत्थम राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तुं वेद स वेदवी। इस दुनिया का मूल परमात्मा है, हमारा भी मूल परमात्मा है, सारी दुनिया उस परमात्मा से बनी तो हम भी परमात्मा से बने। लेकिन हम अपने मूल को समझने में समर्थ नहीं हो पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अपने मूल को समझ नहीं पाते। मूल को समझने के लिए हमें मूल के तरफ लौटना होगा, अंतर्मुखी भाव धारा को निर्मित करना होगा। हम बहिर्मुख बनकर अपने मूल को जान नहीं सकते हैं। साधना के द्वारा हम अपने प्रवाह को, विचारों के प्रवाह को अंतर्मुखी कर लें। ब्रह्मा जी ने साधना की, भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने साधना की। ब्रह्मा जी को मंत्र मिला भगवान के द्वारा, ओम 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 ओम। ओंकारस्य तशब्दस्य वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भीत्वा विनिर्यातो तस्मात्मांगलिका उभो। और उस ओम मंत्र की साधना की नारायण ने, ओम ओम ओम। बड़ा पवित्र नाम है, संपूर्ण मंत्रों का बीज मंत्र, आदि मंत्र है, भगवान का पहला नाम है ओम। और उस ओम की साधना के द्वारा निर्मल हो गए ब्रह्मा जी और भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और भगवान ने नारायण ब्रह्मा जी के हाथ में हाथ मिलाया। ये पहला उदाहरण है कि भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ में हाथ मिलाया। भाई भगवान को सिर पर हाथ रख लेना चाहिए था, भगवान को दूर से अभय की मुद्रा में आश्वस्त करना था, थोड़ा पीठ पर ही हाथ फेर लेते। लेकिन नहीं, करे करह स्पर्शन, भगवान ने हाथ में हाथ इसलिए मिलाया मानो भगवान ने ब्रह्मा जी को इशारा कर दिया, बेटा तुमने इतनी साधना की मानो तुम मेरे बराबर हो गए हो। आपका बच्चा जब जवान हो जाता है तो आप दोस्ती की तरह व्यवहार करते हो, क्यों? क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। पुराने बूढ़े लोग गांव में सुनाते थे, आज भी सामान्य शिष्टाचार में समझाया जाता है बच्चे का, आपका जूता जब बच्चा पहनने लगे तो समझना चाहिए कि अब वो बड़ा हो गया है। आपका जूता अब आपके बच्चे को आ गया पहनने को, मतलब अब आप बच्चे को बच्चा नहीं समझना, उसको बड़ा समझना और वो बड़े की तरह व्यवहार करना, उसको एक मित्र की तरह, और नहीं तो आप चुक जाओगे। आप उसी पुरानी धारा में, बच्चा तो बड़ा हो चुका होगा और आप उसको बच्चे की तरह लेंगे। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को इशारा किया, बेटा अब तुम हमारे बराबर हो गए हो और तुम सुधारो, दुनिया को सुधारो, इस पृथ्वी मंडल के लोगों के जीवन के स्तर को ऊपर उठाओ, तुम इसके पालक हो। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान इस
विश्व के विस्तार को सुव्यवस्थित करना चाहते थे नारायण। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान कहां प्रपंच में फंसा रहे हो, हम तो चाहते हैं अब आपका दर्शन हुआ, हम निरंतर तुम्हारा भजन करें, साधना करें, लेकिन तुम तो मेरे को संसार में डालना चाहते हो। भगवान का चिंता मत करो, मैं तुमको ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा, संसार में रहते हुए भी तुम्हारे अंदर वासना पैदा नहीं होगी, संसार में रहते हुए भी तुम्हारा मन संसार की कालिमा से काला नहीं होगा, तुमको अशांति नहीं मिलेगी। दिव्य ज्ञान दे दिया भगवान ने, यही चतुस्सूत्री भागवत है ना। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्चादहम् यदेदच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतीर्थम् यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यथ्यात् सर्वत्र सर्वदा। चार सूत्रों में भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया नारायण। बहुत सामान्य उपदेश है, उपदेश तो सामान्य ही होते हैं, लेकिन ग्रहण करने वाले पर निर्भर होता है कि वो उसको कैसे जीवन में उतारता है और उसको महत्वपूर्ण बना देता है। दवा से दवा महत्वपूर्ण नहीं होती है, जो दवा रोग को मिटा देती है वो अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती है, दवा का अपने आप कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जो दवा रोगों को मिटा दे और वो रोग मिटने के बाद वो रोग का मिटना दवा को महत्वपूर्ण बना देता है। 25 पैसे की दवा है वो, लेकिन किसी ने खाया और खाते सिर दर्द ठीक हो गया, ओहो हो, अब वो दवा बहुत मूल्यवान हो गई क्योंकि उसने सिर दर्द ठीक किया है। लाख रुपए की दवा लेकिन उसने सिर दर्द ठीक नहीं किया, आप बताओ उसका कोई मूल्य है क्या? मूल्य उपदेशों का नहीं होता है, वो उपदेश आपके जीवन में आकर आपके जीवन में कितना उन्होंने बदलाव लाया उस पर निर्भर है, और वो उपदेश फिर आपके लिए बहुत मूल्यवान है। और सचमुच उपदेश बड़ी महत्वपूर्ण है नारायण। यह हमारे सनातन धर्म में चार सिद्धांत हैं, और ये चारों सिद्धांत अपने वेदांत के सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में, उपनिषदों में, मांडुक्य उपनिषद में, दशोपनिषद सब में आपने देखा होगा। पहला सूत्र वेदांत का है ब्रह्म सत्यम, दूसरा सिद्धांत है जगत मिथ्या, और तीसरा सिद्धांत है नारायण जीवो ब्रह्मैव न परः, और चौथा सूत्र है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, माने इतना ही जानो दुनिया में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको इतना बोध होना चाहिए कि दुनिया में सत्य तो केवल एक परमात्मा है, परमात्मा को छोड़कर और कोई सत्य नहीं है। यह पहले श्लोक में बताया गया है, अहमेवा समेवाग्रे यत् यद सत्परम् पश्चादहम् यदेदच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। दुनिया पैदा होने के पहले भी भगवान थे, दुनिया पैदा हुई तब भी भगवान है, और दुनिया समाप्त होने के बाद भी भगवान रहेंगे, माने वो सत्य है।
और दूसरा सूत्र है परमात्मा को छोड़कर दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं, ये सब बदलने वाला है, मिटने वाला है। बात तो सत्य है, वो इतनी सत्य है नारायण जितना आपको मैं देख रहा हूं। आपका ये शरीर पहले बच्चा था, जवान हो गया, जवान था वो बूढ़ा हो गया, और उसके बाद क्या करोगे फिर? बूढ़े होने के बाद फिर और कोई मतलब नहीं है, बूढ़े होने के बाद बूढ़े बूढ़ा होना है, बूढ़ा होने के बाद मरना, और कोई अवस्था नहीं है। आपके बाल कितने सुंदर थे, काले घने, ओहो, आप दिन भर अपना चेहरा देखते थे, कंघी लगाते थे, लेकिन सारे बाल झड़ गए या सफेद हो गए। आप अपने चेहरे को कितना सजाते थे, लेकिन एक समय आता है नारायण, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। आप इसको बुरे के अर्थ में मत लेना कि जवानी थी तो बुढ़े हो गए तो बुरे हो गए, नहीं, यहां कुछ भी बुरा होना नहीं, ये तो केवल बदलाव है, केवल एक परिवर्तन, और ये परिवर्तन शाश्वत सत्य है। आप बूढ़े हो गए तो इसमें कोई आपका हाथ नहीं है, यह स्वाभाविक है, ये परिवर्तन है। आपने एक बीज बोया, वो अंकुर हो गया, पेड़ बन गया, बड़ा होने के बाद झड़ गया, कुछ चीजों को पैदा किया और वो मिट गया। आप भी थोड़े बड़े हुए, और बड़े होने के बाद आपकी शादी हो गई, कुछ आपने और बनाया चीजें, आपने एक दो बच्चे पैदा किए और उसके बाद चले गए, आपने इस सृष्टि निर्माण में एक दान किया, आपने इस विश्व के पुनर्रचना में सहयोग किया, मानवीय परंपरा को आगे बढ़ा दिया, और उसके बाद अब मर गए, बहुत अच्छी बात है। आपका होना कितना सार्थक हुआ, आप पैदा हुए और एक दो बच्चे पैदा किए और ये मानवीय श्रृंखला को आगे बढ़ा दिया, परंपरा को थोड़ा आगे धक्का दे दिया, इस पीढ़ी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और आप मर गए, कितनी अच्छी बात है। आप बूढ़े होते हैं तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपको बूढ़ा होना है, मरना अनिवार्य सत्य है, ये आपके दूसरे सूत्र में बताया गया है। और तीसरे सूत्र में बताया, जो आप हैं वो हैं, और जो वो है वो आप हैं। जो आपके अंदर जो चेतना है वो परमेश्वर की चेतना है, आपके अंदर जो अहम है वो परमात्मा का अहम है। आप इसको अपना अहम न समझे, ये शरीर के अंदर वो परमात्मा की चेतना आपके रूप में है, इसको समझ लेना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, आप सुबह के सोहम साधना के सत्र में आप ध्यान करते हो, बहुत सुंदर ध्यान है, आपको आना चाहिए। यहाँ शिविर में जितने भी लोग हैं सबको प्रमाद रहित होकर, आलस और प्रमाद का त्याग कर, नींद के सुख का त्याग कर, भले स्नान न करना पड़े कुछ नहीं, आओ खुला करो और बैठ जाओ, बस केवल बैठना है, यहाँ आके सो जाओ। और मुझे मालूम है यहाँ आके आप सो जाओगे जरूर, लेकिन वो यहाँ का सोना और आपके कमरे के सोने में जमीन आसमान का अंतर होगा। आपकी यहाँ योग निद्रा बनेगी, आप भगवान को याद कर रहे होंगे, आप ध्यान कर रहे होंगे, और ध्यान करते करते थोड़ी नींद की झलक आएगी। आप याद करते करते, आप भगवान का जप करते करते सो रहे हैं, आप होश में सो रहे हैं, और जब आप होश में सोते हैं तो उस होश के सोने का नाम ही तो ध्यान है, और ध्यान में भी यदि आप बेहोश है तो नींद है। आपको सुबह के सत्र में आना चाहिए साथ से, आज आप उस समय अपने प्राणों के साथ उस परमेश्वर को अपने से जोड़ लेते हैं। सोहम सोहम सोहम, जो चेतना समष्टि में, जो चेतना दुनिया में परमात्मा की है, वो चेतना हमारे अंदर है, हम अलग नहीं है। एतावदेव जिज्ञास्यम, चौथा सूत्र, बोले बेटा इतना ही जानो, दुनिया में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी को बात समझ में आ गई ना, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया, ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, और भगवान की दिव्य व्यवस्था में
हाथ बांटने लगे। ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है नारायण। इस विश्व भगवान की रचना के बाद इसके व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, और इसीलिए ब्रह्मा को भी सृष्टिकर्ता के रूप में याद किया जाता है। सारी भगवान के द्वारा दुनिया बनी, ये अद्भुत दुनिया है। परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी कहते हैं, एक चना दूसरे चना को पैदा करता है, एक मटर दूसरे मटर को पैदा करता है। भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई जो दुनिया बनने के बाद वो दुनिया ही दुनिया को बनाती जाए। आज तक ऐसा कोई घड़ा नहीं बनाया गया जो घड़ा घड़े को बना दे। दुनिया में हजारों लाखों घड़े बनाए जाते हैं कुम्हारों के द्वारा, लेकिन आज तक ऐसा कोई घड़ा आपने सुना क्या कि जो घड़ा घड़ा बना दे, घड़ा ही घड़ा बना दे, ऐसा कोई नहीं। आप मकान बना लेते हो, लेकिन ऐसा कोई आज तक मकान बना क्या कि जो मकान ही दूसरा मकान बना दे, नहीं। ट्रेन बन जाती है लेकिन ट्रेन को नहीं बनाती, लेकिन भगवान ने ऐसी जेनेटिक संरचना कर दी, ये दुनिया को भगवान ने ऐसा बना दिया नारायण। ओहो हो, भगवान ने इस धरती पर अन्न बनाया, सबसे पहले अन्न बनाया भगवान ने। भगवान ने पेड़ पौधे गुल्म लताओं से भर दिया इस सृष्टि को, और उसको ऐसा बनाया कि वो दूसरे को भी पैदा कर सके। भगवान ने चना बनाया जो दूसरे चने को पैदा कर सके, भगवान ने गेहूं बनाया वो दूसरे गेहूं को पैदा कर सके, भगवान ने नारियल का पौधा ऐसा बनाया जो दूसरे नारियल के पौधे को पैदा कर सके। क्या संरचना है भगवान की। भगवान ने फिर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बहुत सारी दुनिया बनाई, और उस दुनिया के अंदर ही भगवान ने सृजनात्मकता डाल दी। एक मच्छर दूसरे मच्छर को पैदा कर सकता है, हजारों मच्छरों को। एक मक्खी हजारों मक्खियों को पैदा कर सकती है। ओहो हो, क्या शक्ति है, क्या वो जेनेटिक संरचना भगवान की, कैसी अद्भुत रचना। और भगवान ने नारायण फिर मनुष्य को बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य भगवान की अंतिम कृति है। इस सृष्टि में जितने भी सृजित पदार्थ हैं उनमें अंतिम जो सृजना है ये मनुष्य है। शायद इसकी बुद्धिमत्ता को, इसकी विकसित अवस्था को लेकर कहा गया होगा ये भगवान की अंतिम कृति है। और इनमें फिर अनेकों प्रकार की जातियां बनी नारायण, मनुष्य में भी यक्ष गंधर्व राक्षस, मनुष्य देव असुर नाग किन्नर, ये मनुष्यों की अनेकों जातियां हैं, और इन जातियों की अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने पंथ हैं, अपने अपने विचार हैं। नाग जाति अपने ढंग से चलती हैं, देव जाति अपने ढंग से चलती हैं, असुर जाति अपने ढंग से चलती हैं। यह मनुष्यों का जातीय वर्गीकरण है। ये देव और असुर ये और कुछ नहीं है, ये मनुष्यों की विभिन्न ये वैचारिक जातियां हैं, और इनमें आपस में संघर्ष भी होते रहते हैं। भगवान के द्वारा एक अनुपम वैचारिक धरातल पैदा हो गई नारायण, और वो है मनु महाराज और शत्रुपा। बहुत ही उत्तम दाम्पत्य है मनु महाराज और शत्रुपा, ब्रह्मा जी की संतान है। ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया, बेटा प्रजा सृज इति, तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, और यज्ञ के द्वारा हरि की, श्री हरि की आराधना करो, तुम सम्राट बनो, इस दुनिया को सुव्यवस्थित बनाओ, अच्छा बनाओ, इस दुनिया को अच्छा बनाओ। आपको याद रखना चाहिए जब मनु महाराज पैदा हुए उस समय भी केवल अकेले मनु नहीं थे, मनु मनुष्यों के आदि नहीं है, मनु एक व्यवस्था के आदि है। जब मनु महाराज सम्राट बने तो उस समय भी उनके सैनिक थे,
वो जब सम्राट बने और वो महल बना तो उनका महल किसने बनाया होगा? और जब महल बनाया तो उस महल में सेवक नौकर चाकर थे कि नहीं? जब वो सम्राट बने और कोई मनुष्य ही ना हो उनकी सेवा में या उनके सैनिक ना हो तो वो सम्राट कैसे बन सकते हैं? इसलिए हमारे पुराणों ने जो कहा वो एक अलग ढंग से कहा। मनु महाराज एक व्यवस्था के आदमी हैं। मनु महाराज ने एक परंपरा दी, मनु महाराज ने एक धर्म दिया, मानव धर्म दिया और उसके वो आदि हैं। नारायण उस समय जब वो पैदा हुए तो बहुत सारी चीजें थी, यहां पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें थी। उस समय असुर थे, देव थे, यक्ष थे, गंधर्व थे, बहुत सारे लोग थे और वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भी था। तो मेरे को नहीं लगता कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को अकेले दो ही थे। वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भी सम्राट थे और उसके पास बहुत बड़ी फौज थी, उनके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे और वो आए कहां से? फिर मनु महाराज पैदा हुए उस समय भी बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी व्यवस्था थी, लेकिन मनु महाराज को भगवान के अवतार के रूप में लिया गया है क्योंकि एक नई व्यवस्था का वो सृजन करने वाले थे। और जब वो पैदा हुए थे नारायण, उस समय हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष उसका शासन था इस पृथ्वी के ऊपर और वो बहुत बड़ा अत्याचारी असुर था और उसके अत्याचार को देखकर ये कहा गया मानो उसने इस प्रजा को और इस पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया हो। आप कभी कभी आप बोलते हो ना, अरे इसने तो देश को डुबो दिया, ऐसा बोलते हो। अब इस देश को उठाने वाला, इस देश को तारने वाला कोई होना चाहिए, आप ऐसा भी बोलते हैं। यही बात बोली नारायण। मनु महाराज ने कहा भगवान इस समय तो शासन पृथ्वी पर अत्याचारी हिरण्याक्ष का है और मैं अपने साम्राज्य की स्थापना कहां पर करूं? वो बड़ा अत्याचारी है, बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, प्रजा के ऊपर वो अत्याचार करता है, बहुत बड़ा स्वार्थी है, वासना का गुलाम है, मैं क्या करूं? आपके सामने जो विकट परिस्थिति आ जाए और आपको कोई उपाय न सूझे तो परमेश्वर को याद कर लेना चाहिए। और जब आप परमात्मा को याद करते हैं तो भगवान कोई आपको उपाय सुझा देंगे, या जब आप परमात्मा को याद करते हैं तो आपका मन स्थिर होगा और जब स्थिर होंगे तो आपके मन से कोई अच्छे विचार पैदा होंगे। ब्रह्मा जी ने भगवान को याद किया नारायण, और जैसे उन्होंने भगवान को याद किया उनका विश्वास, आप याद करोगे तो विश्वास भी तो होगा ना, और उसी विश्वास से उसी श्वास श्वास बोला, विश्वास को ही श्वास बोला है, भगवान प्रकट हो गए वराह के रूप में। बोली वराह भगवान की, वराह भगवान की। और उस वराह भगवान ने नारायण हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया, असुरी साम्राज्य को समाप्त कर दिया, मानो पृथ्वी में समुद्र में डूबती हुई इस पृथ्वी का उद्धार उन्होंने किया हो और चारों वेदों को भगवान ने संरक्षित कर मनु महाराज को प्रदान कर दिए। मनु महाराज सम्राट बने इस धरा के और मनु महाराज ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था लागू कर दी नारायण, और उस व्यवस्था को मानने वाले जितने भी लोग थे वो कहलाए मानव, वो मनुष्य कहलाए। एक नई जाति पैदा हो गई, एक नए विचार, नई परंपरा को लेकर एक नई जाति पैदा हो गई और वो जाति कहलाए मानव, मनु को मानने वाले मानव, मनु को मानने वाले मनुष्य हुए। और इस मनु की व्यवस्था में नारायण कर्म के द्वारा ये मनुष्यों का विभाजन था। मनु ने कहा जो व्यक्ति पैदा होता है वो एक शूद्र है और वो संस्कार लेता है, शिक्षा लेता है, तो वो
वश्य बन जाता है, वो क्षत्रिय बन जाता है, वो ब्राह्मण बन जाता है। संस्काराज जायते शूद्र, जन्मना जायते शूद्र। बात तो सत्य है, जो भी चीज पैदा होती है वो शूद्र होती है। शूद्र माने छोटी है, उसकी समझ छोटी है, बहुत छोटा है, लेकिन वो धीरे 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 अपने उस अस्तित्व को, अपनी समझ को बड़ा कर लेता है और वो बड़ा बन जाता है। और वो बहुत मानवीय थे नारायण। लाखों लाखों साल तक मनु महाराज की ये व्यवस्था चली और बहुत सुंदर व्यवस्था थी उनकी, बहुत सुंदर। वो बहुत मानवीय थी, एक दूसरे के साथ सहयोग था, आपस में लोग बहुत प्रेम से रहते थे इस व्यवस्था में। बाद में धीरे धीरे ये व्यवस्था बिगड़ गई। इनके पांच संतानें थी नारायण। प्रियव्रत और उत्तानपाद उनके दो पुत्र हैं, आकुति देवहूति और प्रसूति, ये तीन उनकी पुत्रियां हैं। इनमें देवहूति का विवाह नारायण ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम जी महाराज के साथ हुआ। कर्दम जी महाराज जी विवाह करना नहीं चाहते थे, वो निरंतर प्रभु के ध्यान में अपने जीवन को लगाकर प्रभु को पाने का रास्ता प्रशस्त करना चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, प्रजा सृज इति कर्दमो ब्रह्मणोदित सरस्वत्याम तपस्तीपे सहस्रानाम समादश। ब्रह्मा जी का आदेश हुआ। हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण।
तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं सत्तः शान्तं ब्रह्मा ददद्वपू। ब्रह्मा जी का आदेश मिला, कर्दम जी महाराज जी सोचने लगे, नारायण गृहस्थ आश्रम में मेरे को जाना है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए अच्छी पत्नी का होना बहुत जरूरी है। अच्छा पति ना हो या अच्छी पत्नी ना हो तो आपका गृहस्थ आश्रम सुखद नहीं है। दोनों की विचारों में समानता होना चाहिए, आपस में सामंजस्य होना चाहिए। दोनों में यदि 36 का आंकड़ा होगा तो गृहस्थाश्रम नहीं चलेगा, आंकड़ा 33 का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और संसार में कहीं भी पूर्णता नहीं, आपको ध्यान देना चाहिए। आप जिसको समझते हो ना कि वो पूरा होगा, लेकिन वहां भी वो पूरा नहीं है, वहां भी वो अधूरा है। आप जहां भी हैं वहां आप पूरे हैं। आप दूसरे को देख के आप कभी कल्पना न करो वो पूरा है, हम अधूरे हैं। आप दुनिया के एक व्यक्ति को देखो, वो जैसा है वो दुनिया के सारे व्यक्ति ऐसे ही हैं। आप ये कभी मत सोचना कि काश वो दूसरा आदमी हमारे जीवन में होता तो कुछ और होते हैं, वो गलत बात है, ऐसा नहीं है। सब एक जैसी चीजें, वो 19-20। और इसीलिए गृहस्थाश्रम में सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है। अर्दम जी महाराज ने सोचा मैं तपस्या करूंगा और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करूंगा, भगवान से मांगूंगा अच्छी पत्नी। जा करके तपस्या करनी शुरू कर दी नारायण उन्होंने।